हेलो एवरीवन, वेलकम टू तक्षशिला एजुकेशन। मेरा नाम है सौरभ आर्य, एक बार फिर से आपका वेलकम करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम करने वाले हैं जीडीपी एंड वेलफेयर। जैसा कि आपने टर्म टू का सिलेबस देखा है, उसमें इस टॉपिक को पर्टिकुलरली मेंशन किया गया है, यानी उन्होंने बताया है कि जीडीपी एंड वेलफेयर से हम क्वेश्चन पूछेंगे, और इसके क्वेश्चन एक ही तरह के बन सकते हैं, वो है लिमिटेशन ऑफ जीडीपी। तो आज के वीडियो में हम उसी को डिस्कस करने वाले हैं, डिटेल में समझेंगे एक एक चीज़ को, एंड होपफुली आपको एंड ऑफ दिस वीडियो याद भी हो जाएगा कि क्या चीज़ें कैसे वर्क करती हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो को स्टार्ट करने से मैं पहले आपको बता दूं, अभी लास्ट वीडियो में मैंने आपको रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी करवाया है। आपको अगर रियल नॉमिनल जीडीपी के कंसेप्ट में थोड़ी भी दिक्कत है तो आप उस वीडियो को रेफर कीजिए, बहुत डिटेल में प्रैक्टिकल वर्जन में मैंने उसको एक्सप्लेन किया है, और कंप्लीट नेशनल इनकम को भी मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। यहाँ आई बटन है, वहाँ पर आपको मेरी वीडियोज मिल जाएंगी, या फिर आप मेरे चैनल पर जाके भी चेक कर सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको, जीडीपी एंड वेलफेयर को। ठीक है, बेसिकली क्या है कि जीडीपी जब बनाया गया, जब जीडीपी का इजाद किया गया, जब जीडीपी को एक ऐसा कंसेप्ट था जिसको रियलिटी में लेके आया गया, तो जीडीपी कभी भी इसलिए नहीं बना था कि उससे नेशनल इनकम निकाला जाएगा। जैसे अभी हम करते हैं ना, जीडीपी के बेसिस जीडीपी निकालते हैं, फिर वहां से नेशनल इनकम तक पहुंचते हैं, तो ये कंसेप्ट नहीं था जीडीपी को इवॉल्व करने का। बेसिकली जीडीपी बनाया इसलिए गया था ताकि उससे वेलफेयर जाना जा सके। वेलफेयर कैसे? सर देखिए, बेसिकली जब रियल, आपने देखा रियल और नॉमिनल जीडीपी में, जिन्होंने देख रखा उनको पता होगा, रियल जीडीपी जो होता है वो ज्यादा रिलायबल होता है। ठीक है, रियल जीडीपी ज्यादा रिलायबल होता है, नॉमिनल जीडीपी रिलायबल नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि ये बेसिकली क्वांटिटी बढ़ती है तभी रियल जीडीपी बढ़ता है, नॉमिनल तो क्वांटिटी नहीं भी बढ़ेगी, प्राइस बढ़ेगा तब भी इंक्रीज कर जाता है। तो अभी क्या है ना, इसको बनाया गया था वेलफेयर इंडेक्स, इससे वेलफेयर कैसे बढ़ेगा? आपको पता होगा जीडीपी का मतलब क्या होता है। जीडीपी मतलब होता है वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री। यानी अगर ये इंडिया है, इसके अंदर गुड्स एंड सर्विस जो प्रोड्यूस होंगी, इसका वैल्यूएशन करना, इसका फाइनल वैल्यूएशन करना ही जीडीपी कहलाता है। यानी एक कंट्री में जितना भी सामान प्रोड्यूस हुआ है, उन सबकी वैल्यू को जोड़ लो तो वो जीडीपी कहलाता है। ठीक है, अब यहां पे कंसेप्ट ये रखा गया था कि जब इकोनॉमी में ज्यादा गुड्स प्रोड्यूस होंगे, जीडीपी इंक्रीज करना मतलब क्या होता है, गुड्स का फ्लो बढ़ना। यहां पे अभी 1000 किलो व्हीट प्रोड्यूस हो रहा था, अभी 2000 किलो हो रहा है, तभी तो जीडीपी राइज करेगा, तभी तो रियल जीडीपी राइज करेगा ना। तो उनका कंसेप्ट ये था कि जैसे जैसे आपकी क्वांटिटी इंक्रीज करेगी, फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इंक्रीज करेगा, इसका मतलब वेलफेयर हो रहा है। एक इकोनॉमी में लोग अभी तक 1000 किलो दूध पी रहे थे, अब 2000 किलो पी रहे हैं, यानी क्या है, उनका वेलफेयर बढ़ा है ना। जब गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो बढ़ता है तो वेलफेयर इंक्रीज होता है कंट्री में। तो मेन आधार ये था जीडीपी को बनाने का, कि जीडीपी से वेलफेयर नापा जा सके इकोनॉमी के अंदर। लेकिन जीडीपी के कुछ लिमिटेशन है, कई ऐसी जगह है जहां पर जीडीपी फेल कर जाता है जाकर के, वहां पर वो वेलफेयर नहीं बता पाता है, तो उन्हीं एरियाज को पढ़ना है हमें। तो पहले हमने क्या देखा, रियल जीडीपी इज कंसीडर्ड एज द इंडेक्स ऑफ वेलफेयर ऑफ द पीपल। यानी कि रियल जीडीपी को कंसीडर किया जाता है कि ये वो इंडेक्स है जो कि वेलफेयर बताएगा इकोनॉमी का। अच्छा, मैं वीके की बुक फॉलो करता हूं, अगर आप चाहो तो आप भी बुक फॉलो कर सकते हो। आप पूरी बुक का अगर पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जा सकते हो। ठीक है, यहां देखिए वेलफेयर क्या है। वेलफेयर रियल जीडीपी को कंसीडर किया गया इंडेक्स ऑफ वेलफेयर ऑफ द पीपल। वेलफेयर ऑफ द पीपल इज मेजर इन टर्म ऑफ एबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पर पर्सन। यानी जब गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो बढ़ता है तभी तो जीडीपी इंक्रीज करता है रियल जीडीपी, और तभी वेलफेयर होता है। बट कई एक्सटेंड पे लिमिटेशंस हैं, कई एक्सटेंड पे जीडीपी फेल कर, रियल जीडीपी फेल कर जाता है। अब ऐसा कौन सा जगह है, ये आपको पता होना चाहिए। देखिए जीडीपी, रियल जीडीपी मतलब होता है वेलफेयर। ठीक है, अब ये कहां पे फेल करेगा, पहला पॉइंट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। जैसे हमारे इंडिया में अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा है, यानी क्या हो रहा है कि जीडीपी हर साल बढ़ तो रहा है, जो 1000 था वो 2000 हो जा रहा है, 2000 जो था वो 3000 हो जा रहा है, लेकिन जो हमारे पुअर थे वो पुअर ही हैं, जो हमारा रिच सेक्शन था वो बढ़ते जा रहा है। तो क्या ये अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है? जीडीपी तो बढ़ रहा है ना हर साल, 1000 से 2000 हम देखेंगे कि 1000 से हम देखेंगे यार जीडीपी 1000 से 2000 हो गया, 2000 से 3000 हो गया,
लेकिन क्या हमारे वेलफेयर हुआ क्या? नहीं, जो पुअर थे वो अभी भी पुअर हैं, जो रिच हैं वो और रिच हुए जा रहे हैं। तो इसी को बोलते हैं अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि इंडिया में बहुत ज्यादा है। इंडिया की जीडीपी बढ़ी हुई दिखती है, लेकिन पुअर का जो रेशियो है वो कभी नहीं बढ़ा हुआ दिखता है। यानी पैसा गया कहाँ? जब जीडीपी इंक्रीज किया तो पैसा गया कहाँ? जो रिच थे वो और रिच हो गए, अंबानी और बड़े अंबानी बन गए। ठीक है, तो ये चीजें चलता है। हमारे यहाँ रिच और पुअर के बीच का गैप बहुत ज्यादा है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से जीडीपी इंक्रीज तो करता है लेकिन जीडीपी वेलफेयर नहीं बता पाता है। तो ये इसकी एक लिमिटेशन है। यानी कि जीडीपी की लिमिटेशन क्या है कि वो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम के जैसी सोसाइटीज में वर्क नहीं करता है। किसी इकोनॉमी में अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है तो वहां जीडीपी फेल कर जाएगा, वेलफेयर नहीं बता पाएगा, गरीब गरीबी रह गया, अमीर ज्यादा अमीर हो गया। दूसरा है कॉम्पोजिशन ऑफ जीडीपी। कॉम्पोजिशन ऑफ जीडीपी मतलब होता है कि किसी और सेक्टर में, जैसे समझिए कॉम्पोजिशन मतलब ये होता है कि जैसे आप समझो कि इकोनॉमी में, ठीक है, इकोनॉमी में अगर वीट ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, राइस ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, तो इसका मतलब वेलफेयर हो रहा है। वीट राइस प्रोड्यूस होगा यानी कोई ना कोई खा रहे हैं लोग, अब जो पहले आधे पेट सो रहे थे अब पूरा खा के सो रहे हैं। लेकिन तो इसमें जीडीपी बढ़ा हुआ दिखा तो अच्छी बात है। लेकिन अगर आप मान लो कि डिफेंस, अभी क्या है, मोदी साहब ने 2000 करोड़ का जाके राफेल और ये डिफेंस आइटम खरीद लिया। तो अब जब डिफेंस आइटम परचेज हुआ है तो गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो तो बढ़ा है, हालांकि वो वेलफेयर गुड नहीं था, वो वॉर गुड था, वॉर गुड था, लेकिन गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो तो इंक्रीज किया है ना। तो इस कंडीशन में क्या वेलफेयर होगा? हालांकि ये जो हमारे डिफेंस प्रोडक्ट है ये हमें सुरक्षा देती हैं, बट इससे वेलफेयर नहीं होता है। अगर किसी को भूख लगेगी तो वो तोप के गोले नहीं खाएगा, वो राइस ही चाहिए उसको। तो इस कंडीशन में जब हम डिफेंस का परचेज करते हैं, परचेज प्रोडक्शन ऑफ डिफेंस गुड्स, डिफेंस को परचेज करते हैं या प्रोडक्शन करते हैं, तो इसमें जीडीपी हमें इंक्रीज तो हो जाता है, बट क्या वेलफेयर होता है? वेलफेयर होता है? नहीं सर, वेलफेयर नहीं होता है। तो जीडीपी तो इंक्रीज हो गया बट वेलफेयर नहीं हुआ, तो यहां भी जीडीपी फेल कर जाता है। जीडीपी हमेशा बढ़ा हुआ दिखता है जबकि जीडीपी को वेलफेयर बताना चाहिए था। जीडीपी बढ़ा हुआ तो दिख रहा है लेकिन वेलफेयर नहीं हुआ। तो पहला लिमिटेशन था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, यानी कि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो उस इकोनॉमी में जीडीपी वर्क नहीं करेगा। कॉम्पोजिशन ऑफ जीडीपी यानी कि जीडीपी का मोस्टली हिस्सा अगर किसी डिफेंस आइटम में या इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्चा हो रहा है तो उससे कभी भी वेलफेयर नहीं हो सकता है। सोचिए ना, गांव में खाने को रोटी नहीं है और बड़े बड़े महल बना दिए जा रहे हैं, शहर में बड़ी बड़ी हाईवेज बना दी जा रही हैं, तो उससे क्या होगा, वेलफेयर होगा क्या? पहले उनको खाने को तो प्रोवाइड करो, वो होता है वेलफेयर। ठीक है, अगला है नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज। नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज जैसे क्या, आपको पता होगा बार्टर सिस्टम, सीसी इकोनॉमी, मैंने आपको पढ़ाया था सीसी इकोनॉमी, कॉमोडिटी टू कॉमोडिटी इकोनॉमी और बार्टर सिस्टम। आज भी गांव में कई जगह पे पेमेंट इन कैश नहीं होता है, पेमेंट इन काइंड होता है। यानी जब आप वर्क करते हो, कोई किसान पूरे पूरे साल जब खेत में, पूरे महीने जब खेत में वर्क करता है तो उसको पैसे नहीं मिलते, उसके बदले में गेहूं चावल ये सब मिल जाता है। तो यानी बार्टर सिस्टम, सर्विस के बदले में आपको कॉमोडिटी मिल जाती है, तो ये अभी भी करता है। और जब ये चीजें होती हैं तो ये चीजें काउंट नहीं कर सकता है। जीडीपी सिर्फ उसी चीज को काउंट करता है जो कि मोनेटरी टर्म्स में रिप्रेजेंट होती है। अब गांव में क्या हुआ, किसी ने काम किया, उनको राइस मिल गया, आटा दाल मिल गया, तो ये जीडीपी काउंट कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। वेलफेयर हुआ तो उस पर्सन को खाने को सामान मिल गया लेकिन जीडीपी काउंट नहीं कर सकता उस चीज को। क्यों? क्योंकि वो मॉनेटरी टर्म्स में नहीं है। तो इसी के लिए नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज जितने भी होते हैं उनको कभी भी काउंट नहीं किया जाता है। ठीक है, नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज जितने भी होते हैं उनको काउंट नहीं किया जाता है। इसमें मैं एक और एग्जांपल दे सकता हूं। कई ऐसे घर में सर्वेंट्स होते हैं जो कि सैलरी नहीं लेते हैं या फिर सैलरी 2000-3000 लेते हैं, बट वो पूरे टाइम आपके घर में रहते हैं, घर का काम करते हैं। तो उनको क्या करते हैं, हम उनको रहने का देते हैं, खाने का देते हैं, तो हम उनको पेमेंट कम देते हैं। तो आधी पेमेंट तो उनकी पेमेंट इन काइंड में चली गई ना, आपने रहने दिया, खाने दिया उनको, खाने के लिए जगह, खाने के लिए खाना दिया, रहने को जगह दिया, इन सब चीजों में जब पेमेंट हो गई तो उसको पेमेंट इन काइंड हो गया। तो ये जो पेमेंट हुई ना ये कभी भी जीडीपी में काउंट नहीं हो पाती है। क्यों? क्योंकि ये मॉनेटरी टर्म्स में नहीं थी। ठीक है, अगला है एक्सटर्नलिटीज। एक्सटर्नलिटीज मतलब क्या होता है ना, आप समझना है इसको, क्या होता है, हर चीज का कोई ना कोई गुड इंपैक्ट होता है और बैड इंपैक्ट होता है। जैसे अब देखिए क्या है, अब क्या है, बड़ी फैक्ट्री सेटअप हो गई, बड़ी फैक्ट्री सेटअप हो गई। अभी क्या है, बड़ी फैक्ट्री सेटअप हो गई तो जीडीपी में देखा कि या मॉनेटरी टर्म्स में आया, जब फैक्ट्री के लिए सामान खरीदा गया तो मॉनेटरी टर्म्स में आया तो जीडीपी तो इंक्रीज कर गया। लेकिन वो फैक्ट्री क्या कर रहा है, बहुत ज्यादा स्मोक निकाल रहा है, बहुत ज्यादा धुआं निकाल रहा है, वो इन्वायरमेंटली तो सही नहीं है ना। जैसे मान लेते हैं सिगरेट, सिगरेट का सेल हो रहा है, गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो बढ़ रहा है सिगरेट का सेल हो रहा है, तो
गुड्स एंड सर्विस का फ्लो बढ़ा यानी जीडीपी इंक्रीज कर गया। चाहे सिगरेट बिके चाहे दारू बिके, क्या होगा, जीडीपी तो इंक्रीज हुआ वो दिखेगा ना, लेकिन क्या वो वेलफेयर करके जा रहा है वो सामान? नहीं, सिगरेट पीने से किसका भला हुआ है? ऐसा सुना है किसी को सिगरेट पीते हुए बहुत बड़ा धंधा उन्होंने बना लिया, या सिगरेट पीने से दो किडनी दो लंग्स हो गए? नहीं, जो है वो सड़ेगा। तो क्या हो रहा है, वेलफेयर नहीं हो रहा है इकोनॉमी में। तो ये एक्सटर्नलिटीज मतलब होता है हर चीज का कोई ना कोई गुड इंपैक्ट होता है, बैड इंपैक्ट होता है। जीडीपी गुड इंपैक्ट और बैड इंपैक्ट पे फर्क ही नहीं पड़ता, उसको अगर मॉनेटरी ट्रांजेक्शन हुआ है तो वो जीडीपी इंक्रीज किया हुआ दिख जाएगा। लेकिन कई ऐसी चीजें हैं जो कि हमारे एनवायरमेंट को और वेलफेयर को इफेक्ट कर जाती हैं, गलत तरह से बैड इंपैक्ट डाल जाती हैं, लेकिन जीडीपी क्या होता है, बढ़ा हुआ दिखता है। जैसे दिल्ली के अगर आप बच्चे हो तो आपको पता होगा क्या किया है हमारे केजरीवाल साहब ने, जब कोविड भी हुआ था तब भी उन्होंने देखा यार इकोनॉमी में ना दिल्ली में पैसे नहीं है, तो उन्होंने क्या किया, ठेके खोल दिए सारे। तो क्या वो अचानक से मनी का ट्रांजेक्शन बढ़ गया, एक दिन में 200 करोड़ का टैक्स जमा हो गया था, होपफुली आपको याद होगा, अराउंड 200 करोड़ का जमा हो गया था। तो क्या हुआ, जीडीपी तो बढ़ा ना, मनी का ट्रांजेक्शन तो बढ़ा, बट क्या सोसाइटी का वेलफेयर हुआ था? क्या दारू पीने से किसी का वेलफेयर हुआ था? नहीं हुआ था। तो वही चीज बोल रहा है, जीडीपी हमेशा मॉनेटरी टर्म को इंक्लूड तो कर देता है, लेकिन उसका मोटिव वेलफेयर करना था, जो कि नहीं होता है कुछ प्रोडक्ट्स में, ठीक है। तो हर किसी चीज का एक बैड एंड गुड इंपैक्ट होता है, जीडीपी को उनसे फर्क नहीं पड़ता है। तो असल मायने में कोई वेलफेयर हो ही नहीं रहा था, लेकिन जीडीपी बढ़ा हुआ है। तो ये चार ऐसे टर्म्स हैं जहां पे जीडीपी फेल कर जाता है। एक बारी और मैं थोड़ा ब्रीफ में बता देता हूं क्या क्या मैंने बताया। पहला था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम यानी कि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो उस टर्म्स में जीडीपी बढ़ा हुआ इंक्रीज किया हुआ तो दिखेगा, लेकिन वेलफेयर नहीं होगा। कंपोजिशन ऑफ जीडीपी यानी अगर डिफेंस आइटम या फिर मान लेते हैं कोई भी ऐसा आइटम जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सब चीजों पे खर्चा किया जाता है तो जीडीपी तो बढ़ा हुआ दिखता है, लेकिन उससे वेलफेयर नहीं हो सकता है। जो पुअर है वो पुअर ही रहेंगे, उनको नहीं चलना है फ्लाईओवर पे, उनको खाना चाहिए 3 टाइम का, ठीक है। नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज मतलब होता है जो वैसा एक्सचेंज जो पैसे के अलावा किया गया, जैसे आपने अगर पढ़ा होगा वैल्यू इनकम मेथड, तो उसमें था पेमेंट इन काइंड, यानी कि पैसे के अलावा अदर देन मनी अगर कोई और पेमेंट कर दी जाती है, जैसे आपने मेरे लिए कोई काम किया, मैंने बोला अच्छा आपने मेरे लिए बहुत अच्छा काम किया, मैंने आपको फोन गिफ्ट कर दिया, तो यहाँ पे नॉन मॉनेटरी पैसे का एक्सचेंज नहीं हुआ, ठीक है। या फिर पूरे महीने किसी किसान ने खेत में काम किया, उसको आटा दाल चावल मिल गया, तो यहाँ पे मॉनेटरी चीजें नहीं आई ना, तो वो इंक्लूड नहीं करेगा जीडीपी, जबकि वेलफेयर तो हुआ ना। तो इसी के लिए ये भी जीडीपी का लिमिटेशन है, यहाँ पे भी जीडीपी आके फेल हो जाता है। अगर फेल कर जाता है एक्सटर्नलिटीज यानी कि हर चीज का गुड और बैड इंपैक्ट होता है, वो गुड और बैड इंपैक्ट को कंसीडर ही नहीं करता है जीडीपी। जीडीपी सिर्फ ये कंसीडर करता है कि क्या मॉनेटरी ट्रांजेक्शन हुआ है, अगर हुआ है तो वो जीडीपी में जाएगा, ठीक है, जबकि हर किसी चीज का बैड इंपैक्ट होता है। चलिए, ये चार लिमिटेशंस हैं और मुझे ऐसा बिलीव है कि इसमें से कोई ना कोई एक लिमिटेशन आएगा आपको एक्सप्लेन करने के लिए। तो होपफुली आपको ये चीजें समझ में आई होगी। अगर कोई भी दिक्कत है आपको तो कमेंट सेक्शन में आप बताइए, मैं आपको वापस से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। चलिए, इतना ही रखते हैं, इस वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करते हैं, ठीक है। आप कंटिन्यू बने रहिए, चीजों को सीखते जाइए। मैं कोशिश कर रहा हूं कि पूरा ही मैक्रो इकोनॉमी टर्म 2 का आपको यहाँ इस चैनल पे सिखाया जाए। नेशनल इनकम की प्रैक्टिस भी करवाऊंगा मैं, तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो आएगी आपको पता चलते रहेगा। चलिए, साइनिंग ऑफ, तक्षशिला एजुकेशन, डिस्कवर योर बेस्ट एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू यू फॉर योर फ्यूचर प्रिपरेशन। ओके, अच्छे से प्रिपेयर करते रहिए।